सर्वेश मिश्रा जी, फिर वही सवाल। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिसोदिया जी को आप लोग कमजोर क्यों साबित कर रहे हैं, वो राणा प्रताप और भगत सिंह दोनों से खुद को जोड़ चुके हैं, उनके लिए क्या खतरा हो सकता, कौन माइकल राणा प्रताप का बाल बांका कर लेगा। वो एक बार बोल चुके हैं कि मैं राणा प्रताप का वंशज हूं, ठीक, दूसरी बार उन्होंने कहा भगत सिंह का। जो आदमी भगत सिंह से जिसका अपना जुड़ाव हो जाए, महाराणा प्रताप से हो जाए, उसको हर त्यार जेल में क्या खतरा हो सकता। नहीं, बात कुछ मैच नहीं कर रही। एक तरफ हम कहें हम राणा प्रताप हैं, दूसरी तरफ हम कहें हमको डर भी लगता रात में। नहीं, अमिताभ सर, जेल से तो हम डर नहीं रहे हैं और जेल से हमारे पार्टी के दूसरे नेता भी डर नहीं रहे हैं। बात यह रही कि जब 178 मुकदमे आप करते हो और 137 में हमारे पार्टी के नेता बरी हो जाते हैं, तो उस समय हमारे संदेह की जो स्थिति है वो और पुष्ट हो जाती है, जो हमारा तथ्य है वो और हो जाता है। उस समय भी वो अभियुक्त होते हैं, जब 137 निकल गया उसमें भी सर पुलिस वाले ऐसे ही आरोप लगाए होते हैं, किसी पे छेड़खानी पे, कहीं गुंडगी के, कहीं गलत नियुक्तियों के, कहीं करप्शन के। तो ये आंकड़े जब देखने को हम 8 साल में देखते हैं, तो 8 साल में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इनके द्वारा संचालित एजेंसियां लगातार आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पे गलत तरीके से केसेस करते आ रहे हैं। तो ये जो हमारा संदेह है उसी अब उन्होंने अपने चंगुल में मनीष सिसोदिया जी को लिया हुआ है और निश्चित तौर पे एक ऐसे नेता को लिया हुआ है जो आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से एक बड़ी छवि है, हमारे शीर्ष नेता है। तो इसी को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं। नहीं सर्वेश जी, एक मिनट, मुझे ये तो नहीं पता कितनी संख्या में मुकदमे हुए, किसके खिलाफ हुए, लेकिन जो कुछ पॉपुलर मुकदमे हैं, जैसे एक वो राशन कार्ड वाला वीडियो था, क्या दो महिलाओं के साथ कुछ राजनीतिक चर्चा में एक मंत्री लिप्त पाया गया था, वो वीडियो बड़ा चर्चित हुआ था, क्या नीला पीला है, सुन लो, वो क्या ऐसा हुआ, किसी ने कहा कि वीडियो में ये नहीं है, आज तक नहीं कहा। सुन लो, आपने कहा ना सब झूठा हुआ, मैं वो एक सेकंड, अब धैर्य रखो, ठीक, वो राशन कार्ड वाला मामला आज तक वही वैसा ही है, वही मंत्री है, वही दो महिलाएं हैं जिनके साथ वो क्रियाकर्म कर रहे थे। एक सोमनाथ भाई, एक सुनो भाई, सोमनाथ भारती के खिलाफ जो मुकदमा चला, किसी ने बोला कि उनकी पत्नी ने यह कहा कि नहीं इन्होंने मेरे ऊपर कुत्ता नहीं छोड़ा था, ऐसा तो बोला नहीं किसी ने, कानून मंत्री, ठीक, एक मंत्री था आपके यहां जिसने, जिसके कागज डिग्री, चीफ मिनिस्टर ने कहा मैंने देख ली डिग्री, छोड़ो पुलिस की बात, सारी डिग्री इसकी ओके है, जेल गए, मंत्री पद गया, डिग्री फर्जी पाई, अदालत ने कहा डिग्री फर्जी है। कहां आप लोग क्यों ऐसा प्रचार कर देते हो कि नहीं नहीं कहा सब झूठ है, सारे मुकदमे हुए, हम लोग भगत सिंह हो गए, कहां भगत सिंह हो गए यार, एक एक से सुन लो, एक वो अल्पसंख्यक मंत्री थे, वो रुपया लेते पकड़े गए थे ना, कहीं किसी ने बोला ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं रुपया लेते नहीं पकड़े गए, नहीं ना यार, ऐसा भी घोर माठा नहीं करो कि झाड़ू लगा दो चांजा, कह दो नहीं नहीं सब फर्जी है, कुछ नहीं, विपक्ष को सताने की साजिश है। अरे भाई ये विपक्ष, सत्ता पक्ष वालों ने कहा था राशन कार्ड बनाओ, नहीं ना, इसका राजनीति से क्या लेना देना है भाई, कर्म खुद करोगे फिर कहो, फिर छुपोगे पार्टी के पीछे, ये क्या मतलब है बताओ सर्वेश जी। मैं आपके तीनों केस का जिक्र कर देता हूँ, अल्पसंख्यक मंत्री को आम आदमी पार्टी ने खुद लिप्त पाया। अरे आपने कहा सारे झूठे केस लगे आम आदमी पार्टी, मैंने चार बड़े चेहरे बता दिए, और सत्येंद्र जैन 1 साल से जमानत नहीं पाए, नहीं उनके, उसके अलावा दोनों केसेस का जिक्र कर देता हूँ। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा राशन कार्ड बनाने के लिए, और ऐसे आज दोनों मामले सेटल हो के वो भी बाहर है। सोमनाथ जी की बीबी के मामले में क्या क्या नहीं उठाया, यही वे लोग थे, आज दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं, किसी के निजी मामलों को इस्तेमाल करता था। बाकी मैडम बरखा जी आप भी जानती हैं कि आप क्या काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट नहीं है आप, सोशल एक्टिविस्ट लिखने से मत बताइए, आप महिलाओं के खिलाफ किस तरीके से अभद्र बातें करती हैं आप मत बताइए, आप आज सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, आप दूसरी बात कर रही है, मैं आपको व्यक्तिगत भी जानता हूँ, आप पुरुष आयोग की मांग करती है पूरे देश में, आप पुरुष आयोग की मांग करती है आप मत बताइए, महिला अधिकारों के बारे में आप बात मत करिए, महिला अधिकारों की बात मत करिए, पुरुष आयोग तो कोई गलत बात नहीं है, देश में आप मत बात करिए, आपका मोटा चेहरा तक भी पड़ा है रिकमेंडेशन जो सब लेके घूमते हो, बात मत करिए, आप पुरुष एक्टिविस्ट रहिए, महिलाएं आपको पीड़ा देने वाली लगती है, आप बरखा जी बात मत करिए, नहीं बिल्कुल गलत, बरखा जी आप सोशल एक्टिविस्ट नहीं, आप गलत फहमी मत पालिए, आप इस देश में पुरुष आयोग बनाने की बात करती है, आपके हिसाब से महिलाएं गलत आरोप लगाती हैं लोगों पे,
आप बरखा जी, आप किसको समझाएंगी? आप अपना वो मोटा जत्था भूल गई है जो लेकर घूमती है आप 100 पन्ने की लेकर भूल गई है आप ये सोशल एक्टिविस्ट का तंगा बंद लगाइए। आप पुरुष आयोग का तंगा की महिलाएं बहुत गलत आरोप लगाती हैं पुरुषों पे। आप महिला विरोधी है बहुत बड़ा, इस तरीके से बात मत करिए। आप सोशल एक्टिविस्ट का तंगा मत पहनिए। देखिए हम लोग राजनीतिक पार्टी से और खुल के अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। हम लोग चोला नहीं बोलते, हम लोग चोला नहीं बोलते, हम लोग गलत चोला नहीं बोलते। हम किसी पार्टी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस तरीके से मत, आप इस तरीके से मत, आप न्यायविद मत बनिए यहाँ पे। बरखा जी, बरखा जी आपको रखिए, आप पुरुष आयोग बनवा लीजिए, आप देश, आप पुरुष आयोग बनवा लीजिए, आपके लिए अच्छा है। आप पुरुष आयोग बनवाने पे काम करिए। आप समाज सेवा पे बोलने का अधिकार छोड़ दीजिए। आप पार्टी उससे अच्छा है किसी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, सोशल एक्टिविस्ट ना बनिए। एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए। सारे आयोग बन गए और दस और बाकी और बनते रहेंगे, ठीक। पुरुष आयोग बन जाएगा तो कौन सा हिमालय पलट जाएगा, क्या दिक्कत है? 1000 आयोग बन चुके, नेताओं को सुन लीजिए, हल्ला नहीं चाहिए। नेताओं को खपाने के लिए आयोग बनाने की पुरानी बीमारी है भारत में कि नहीं है? हमको ज्ञान दे रहे हो यार, पुरुष आयोग भी बनाओ तो करे, बच्चा आयोग भी बने हुआ, महिला आयोग बना, पुरुष आयोग भी बनाओ, फिर रिश्तों के आयोग बनाओ। दोनों की आवाज रोक दीजिए, अभी दोनों की आवाज रोक दीजिए। आगे बात, इसके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, इसके आगे अगर लड़ना है, इतना लड़ना हमारे यहाँ मंच पे, इसके आगे लड़ना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। खेमचंद जी, बड़ा कठिन है डगरपन घटकी, आपको मालूम है मैं किस बात पर भगवान मना रहा हूं? बताई देता हूं। संजय सिंह ने बोला मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं, सौरभ भरद्वाज ने बोला ज्यादा चिंतित नहीं हूं, ये सब लोग सुन लो मेरी बात। मेरी चिंता मालूम क्या है? केजरीवाल जी ना ये बोल दे कि मनीष सिसोदिया की हत्या हो सकती है, चूंकि उनका प्रिडिक्शन कोई गलत नहीं हुआ आज तक। जिसके बारे में बोल दिया दिन तारीख एग्जैक्ट, वही कांड हो गया। उनने कहा था सीएम के टीवी पे कि इतवार को सिसोदिया चला जाएगा, इतवार को ही गया नहीं। अगर उन्होंने भविष्य, भाई मैंने कहीं कभी 2-4 दिन पहले कहा था बागेश्वर बाबा फेल हो गए केजरीवाल जी के सामने, ऐसी सटीक भविष्यवाणी क्या? और जिसके लिए उन्होंने कह दिया मैंने कागज देख लिया, उसे भी पूरे तीनों लोगों में फिर कोई बचा नहीं पाया, जिसके लिए केजरीवाल जी ने कहा मैंने कागज देख लिए, ठीक है। खेमचंद जी देखिए, अभी एक दिल्ली में एक बहुत, जब होली का उत्सव चल रहा था कि भाई चोर तो पकड़े जा रहे हैं लेकिन ठेकेदार कौन है, कुटेल कौन है, तो उसमें आदरणीय केजरीवाल जी का ही नाम आ रहा है। एक तरीके की चोरी हो ही नहीं सकती, सरकार के मुखिया हैं, कागज देख लिए, रिकॉर्ड देख लेते हैं, बैंक अकाउंट देख लेते हैं, घर का अता पता देख लेते हैं, रिश्तेदारों की जानकारी कर लेते हैं, फिर भी चोरी हो रही है, इसका मतलब तो ठेकेदारी चोरी करा, चोरी अपने आप नहीं हो रही। दूसरी बात, माहौल बनाया जाए, हम केजरीवाल जी के बारे में जानते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ता से अपने आप पे उन्होंने थप्पड़ लगवाया, जैसे अडानी जी के मामले में थप्पड़ मार देता, सुन लो सर्विस, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं, पूरे प्यार से सुना जी, अब छोटे भाई जिस तरीके से उन्होंने थप्पड़ मरवाया सब जानते हैं, उनको फिर अपना कार्यकर्ता रखा, उनकी जिम्मेदारियां भी, उसी तरीके का कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश आम आदमी पार्टी अब कर रही, ताकि मनीष सिसोदिया के नाम पे अभी तक तो कोई सिंपैथी मिल नहीं रही, ना बच्चों के नाम पे सिंपैथी मिली, बल्कि बच्चे कह रहे थे चाचा मनीष जी अच्छा आप जेल चले गए, आपने ठेके बंद करा दिए, जो आपके शराब के ठेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भिड़ के बंद करा दिए, नहीं तो हमारे चाचा था वो भाई सब शराब पीते थे, आपने तो एक के साथ एक बाटली फ्री दे दे के हम युवाओं को भी शराबी बनाने की कोशिश की, हमारी जो माता बहनें निकलती थी ठेकों के पास से घरों के पास, उनको दिक्कत होती थी, छेड़छाड़ होती थी, अब वो रुक गई है, वो तो धन्यवाद कर रहे थे, तो कोई सिंपैथी इनको मिली नहीं। अब सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कराया जाए जिससे सिंपैथी मिल सके, ये कह सके देखिए जी पहले जेल में डाला, अब मरवाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा इसमें जो एंगल नजर आता है वो ये है, क्योंकि अब
मनीष जी मंत्री नहीं है, उनके खिलाफ जांच हो रही है, एजेंसी आज भी गई है, पहले भी गई है, बाद में भी जाएंगी, पूछताछ चल रही है, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि वही जेल है जहां पे हम एक बड़े अपराधी को मालिश वाला बना देते हैं, ये वही जेल है जहां पे जेल में ही मंत्री अपने मंत्रालय चलाता है, तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है, अपना मुंह बंद रखना, अगर मुंह खोल दिया ठेकेदार के खिलाफ, अगर राज आपने उगल दिए ठेकेदार के खिलाफ, तो कुछ भी हो सकता है, वहां आप अकेले नहीं हो, वहां पैसे के लेन देन हम करवा सकते हैं, खाने पीने के लेन देन करवा सकते हैं, हर तरीके के ऐसा आराम करवा सकते हैं, तो आपसे अटैक भी करवा। ठीक ठीक खेमचंद जी, एक छोटा सा कमेंट में गढ़वी साहब से लूं, गढ़वी साहब आपको क्या लगता है, आपकी समझ क्या कहती है, क्या मनीष सिसोदिया को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि चुप रहो, जिस उसी में फायदा है? हाँ बता जी, जल्दी से। जिस तरीके से आरोप लगने शुरू हो गए, जेल में ऐसा होगा, मुझे मर्डर की संभावना है, तो मतलब सरकार अपने ही सरकार पे ये आक्षेप कर रही है, मतलब उनको क्वेश्चंस खुद के ही सरकार पे है, तो क्या ये मैसेज क्यों कन्वे करेगी? हाँ एक बात है, जिस तरीके से मनोज तिवारी जी ने बताया कि खुद अरविंद केजरीवाल ये शंका के घेरे में है कि वही तो मनीष सिसोदिया के लिए कुछ नहीं कर रहे ना, सोच नहीं रहे ना, तो ये मैसेज जाना या ये जो पॉलिटिकल एक फोरम बनना, ये कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग मैसेज दे रहा है। मैसेज दे जरूर जा रहा है, लेकिन रॉन्ग मैसेज पॉलिटिकली भी जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने जहां जहां जो काम किया है उससे एक मैसेज वो गया है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखिए दिल्ली में कांग्रेस को सुपड़ा साफ कर दिया आपने, ये अन्ना हजारे का क्या हुआ, तो जिस तरीके से आपकी जो राजनीति है वो सिटीजन राजनीति नहीं है, मतलब पीपल्स जो पॉलिटिक्स होना चाहिए वो नहीं है, कहीं अंदरूनी राजनीति है जी। ठीक ठीक बात।